टिपनोई की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, तो आप टिपनोई की जो लंग फिशेस हैं उनकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं जीन डुप्लीकेशन को बताना चाहूंगी। जीन डुप्लीकेशन का मतलब, जैसे ये एक पार्ट ऑफ जीन है, यहाँ पे मैं ए टी जी सी लिख रही हूँ, यहाँ पे टी ए जी सी लिख रही हूँ, तो ये पार्ट ऑफ जो जीन है इसको डुप्लीकेट करना है। यानी सेम ऐसा भी बना सकता है ए टी जी सी जी, और यहाँ पे टी ए जी सी बनाएगा, और सेम इसका दूसरा रेप्लिका कॉपी पे बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। जीन डुप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो नॉन कोडिंग और कोडिंग दोनों टाइप के जीन्स में हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस जीन में एग्जॉन प्रेजेंट हो उनकी डुप्लीकेशन ना हो, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, उनका भी डुप्लीकेशन हो सकता है। तो डुप्लीकेशन किसी का भी जीन्स का हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो डुप्लीकेशन की हम यहाँ बात करते हैं, इंटैक्ट जीन्स का भी हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ऐसे भी जीन्स का कर सकते हैं जिसमें एग्जॉन्स प्रेजेंट हो। मैंने आपको बोला कि कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरह के हम जीन्स का डुप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एग्जॉन प्रेजेंट इन जीन्स दैट डुप्लीकेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। सो इंटैक्ट जीन्स आर इन्वॉल्व्स वन टू कॉपीज ऑफ जीन्स। जो इंटैक्ट जीन्स होते हैं, वो इंटैक्ट जीन्स जो होते हैं उसमें टू कॉपीज ऑफ जीन प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है। डुप्लीकेशन ऑकर कब कब होता है? सिंगल जीन्स और ग्रुप ऑफ जीन्स हम कहीं पे भी देख सकते हैं। सिंगल जीन का भी चेंजेस होता है तो भी हम देख सकते हैं, और हम डुप्लीकेशन जो है ग्रुप ऑफ जीन्स में भी देख सकते हैं। कॉजेस क्या होते हैं? यहाँ मैंने थ्री कॉजेस लिखे हैं, ये मेन थ्री कॉजेस हैं। वैसे तो और भी होते हैं, पर यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो थ्री कॉजेस हैं ऑफ द रीजन क्या होता है डीएनए जीन डुप्लीकेशन का। तो रेप्लिकेशन स्लिपेज होता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में अगर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। अनइक्वल सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज को भी हम जीन डुप्लीकेशन ही कहते हैं। तो अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए, ये एक हमारे पास जीन है। अब इस जीन का हम जीन डुप्लीकेशन करवाएंगे। तो जीन डुप्लीकेशन में एक पे हमारे सिलेक्शन प्रेशर काम कर रहा है और एक पे सिलेक्शन प्रेशर काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर नो फोर्स और नो सिलेक्शन प्रेशर। अगर कोई भी सिलेक्शन प्रेशर नहीं है जीन के ऊपर तो वो कैसा बनेगा? सेम एज द ओरिजिनल ए टी जी सी और टी ए सी जी, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर सिलेक्शन प्रेशर काम करे, इफ डाइवर्जेंसो कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर सिलेक्शन प्रेशर हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रेशर बहुत तरीके के होते हैं, हम लोग उसको इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर सिलेक्शन प्रेशर आया तो ए की जगह मान लीजिए जी आ गया, जी के बाद टी, और जी की जगह वापस ए आ गया, और ये सी आ गया। तो ये हो गया सी ए टी और ये जी। तो इस तरह का सिलेक्शन जो हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग जो जीन डुप्लीकेशन में हम देख सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन प्रेशर होता है, ये सिलेक्शन प्रेशर अलग अलग तरीके के होते हैं, हम इनको डिटेल करेंगे। वापस से हम इसमें जो सिलेक्शन प्रेशर हम दिखा रहे हैं, ये डाइवर्जेंस है। और अगर मान लीजिए ये जीन वन था तो ये एज अ सेम जीन वन की तरह काम कर रहा है, तो ये इसका प्रोडक्ट कैसा होगा? जीन वन के जैसा ही प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो जीन दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जीन टू से आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहां पर जो फंक्शन है वो ओरिजिनल की तरह होगा, फंक्शन एज ओरिजिनल, और यहां पर कैसा हो गया फंक्शन हमें डिफरेंट देखने को मिला, डिफरेंट, ठीक है। तो
तो ऐसी कंडीशंस में आप बहुत सारे एग्जांपल से भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो डिप्लीकेशन होता है डाइवर्जेंस, इसमें अब आपको एक कॉन्सेप्ट और भी समझना है। जैसे मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको फंक्शनल और स्यूडो जीन्स का भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो लेट डिस्कस विथ दिस। यहाँ पर हम इस पे दो पार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। एक इसी में जो है दो पार्ट क्रिएट होंगे, तो एक होगा फंक्शनल, फंक्शनल और दूसरा होगा स्यूडो जीन। ठीक है, तो दो तरह के इसमें हम अभी जीन्स को समझेंगे। तो जो जीन का डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है, जीन का डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको कौन सी कंडीशंस में जीन्स का क्या ऑफसेट मिलेगा? तो देखिए, जो फंक्शनल होगा, ये फंक्शन डिफरेंट कर रहा था, यानी जीन टू बना रहा था, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे जी टी ए सी और सी ए टी जी। तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शनल जीन होगा। ये फंक्शन जीन टू प्रोडक्ट बनाएगा, जो सेकेंड जीन ऑफ प्रोडक्ट बना रहा था। लेकिन जब हम स्यूडो जीन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मान लीजिए जी टी टी सी और सी ए ए जी, इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, जो फंक्शनल जीन है वो बिल्कुल जीन टू की तरह, जो डुप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं या डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलते हैं, तो वो इस तरह से देखने को मिलते हैं। और यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि जो फंक्शनल जीन होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा और जो स्यूडो जीन होगा वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो यहां पे आप नो प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं या नो फंक्शन भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। जैसे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ते होंगे कि किसी भी जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, पेंटाडेक्टाइली, डेव बायो में आप बहुत सारे चीजों को पढ़ते हैं कि बहुत सारे जीन्स का हम लॉस ऑफ फंक्शन करा देते हैं। तो वो इसी तरह से लॉस ऑफ फंक्शनल होता है, फंक्शन होता है कि उसमें जीन डुप्लीकेशन या डाइवर्जेंस का फेनोमेना हमें देखने को मिलता है और वो लॉस ऑफ फंक्शन में चला जाता है। अब हम